हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वे बढ़ते हैं सीखेंगे आई पी एस सी नोमेंटर हम कैसे लिखते हैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स कॉम्पलेक्सुट प्रेजेंट है उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अब हमें सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं अगर हमने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करी तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन कार्बन की चेन हमें मिल रही अगर काउंटिंग हमने यहाँ से स्टार्ट करी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो हमें एट कार्बन की चेन मिल रही वही अगर यहाँ काउंटिंग स्टार्ट करी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट तब भी हमें एट कार्बन की चेन मिल रही तो हमें दिख रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन हमें नाइन कार्बन की मिल जा रही तो हम सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे हम चेक करेंगे कि हमारा जो सब है वो कहाँ से सबसे क्लोज पड़ रहा तो काउंट करते हैं वन टू थ्री पे पे हमें हमें दो complex मिल रहे हैं। हैं से से देखते भी ही कॉम्प्लेक्स यि हमारे मिल जा रहे हैं तो ऐसी situation में हम काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं तो चलिए काउंटिंग कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब इसके नाम को क्या होता है? कि जो भी हमारी ये है इससे जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसे हम फर्स्ट नंबर देते हैं तो ये हमारी मेन चेन है इस कार्बन से ये कार्बन डायरेक्टली अटैच हो रहा है तो हमने इससे फर्स्ट नंबर दे दिया ठीक है अब उसके बाद इस फर्दर

प्रेजेंट है जैसे ये कार्बन जो है फर्स्ट नंबर पे इसके पास दो मिथाइल ग्रुप है एक यहां पे, एक पे पे दो मिथाइल हैं तो इसके नाम को लिखते हैं मिथाइल पे दो जगह है और फर्स्ट कार्बन पे है तो हमने लिखा ठीक है दो मिथाइल हैं तो हमने लिखा डाई मिथाइल डाई मिथाइल अब ये लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थ्री है तो ये क्या हो गया प्रोपाइल क्योंकि थ्री के लिए हमारा रूटबोर्ड क्या हो जाता है प्रोप और सफिक्स यहाँ पे वाई एल एड होगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिट है जबकि यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हम के केस में एन ऐड करते हैं बट कॉम्प्लेक्स के केस में क्या करते हैं एन एड करके वाई एल एड करते हैं ठीक है तो इसका नाम हो गया वन वन डाइमिथाइन प्रोपाइ अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इसमें चेक करेंगे इसके नाम के लिए और हाँ कॉम्प्लेक्स ऑफेंट का नाम हमेशा ही हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ठीक है अब इसके लिए अगर हमें नाम दे, देना है तो क्या हो गया ये वाला ये वाले कार्बन से ये कार्बन हमारा अटैच हो रहा है तो हम इसे फर्स्ट नंबर दे देंगे ठीक है अब इसके अंदर भी हमें लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है तो अगर यहाँ हम बढ़ जाते हैं तो वन टू थ्री अगर यहाँ आते हैं तो वन टू थ्री तो हम कहीं पे भी इसे मेंशन कर सकते हैं वन टू थ्री हमें तीन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया अब इसके नाम को लिखना है तो सेकेंड पोजिशन पे हमारा एक मिथाइल ग्रुप है तो हमने लिखा टू मिथाइल देन इस लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स थ्री है तो ये हो गया प्रोप और सफिक्स एड होगा वाइल, तो ये हो गया प्रोपाइल अब इसके इसके बाद नाम को हम कैसे लिखेंगे ये हमने पार्ट पार्ट में इसके नाम को लिख लिया अब हम चेक करते हैं इसकी पोजिशन को तो फिफ्थ पोजिशन पे ही हमारा ये भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिजन प्रेजेंट था और ये भी तो हमने क्या लिखा फाइव अब इसके नाम को लिखना है जैसे फिफ्थ पोजिशन पे अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं किसको हम पहले लिखेंगे तो जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स सब होते हैं उनमें अगर ऐसे कुछ लगा है डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी लगा है तो जब हम अल्फाबेटिकली कंपेयर करते हैं तो डाई ट्राई टेट्रा के जो भी लेटर्स हैं जैसे डाई है तो डी ट्राई है तो टी इसको इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ क्या है डाई मिठाई तो डी को हम एम से कंपेयर करेंगे तो अल्फाबेट में कौन सा लेटर पहले आएगा डी हमारा पहले आएगा तो पहले हमें इसके नाम को लिखना होगा उसके बाद हमें इसके नाम को मेंशन करना होगा तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसके नाम को इसकी पोजीशन क्या है फिफ्थ पोजीशन तो हमने लिखा फाइव वन कमा वन डाई मिथाइल प्रोपाइल डाई मिथाइल प्रोपाइल देन फिफ्थ पोजीशन पे ही हमारा ये भी कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूंट प्रेजेंट है तो हमने इसके इसके नाम को भी मेंशन करना है फाइव

एन क्योंकि ये एल्केन है तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया फाइव वन कमा वन डाई प्रोपाइल फाइव टू मिथाइल प्रोपाइल नोनेन नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं अब इसमें हमें कार्बन की सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को हमें सेलेक्ट करना है तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन कार्बन की चेन हमें मिल रही वहीं अगर हम काउंटिंग यहां करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ से किया हमने तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तब भी हमें नाइन की मिल रही और मैक्सिमम हमें क्या मिल जा रही है टेन कार्बन की चेन तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया देन नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है हमें चेक करना होता है कि हमारा सब स्टीचमेंट कहाँ से सबसे क्लोज पड़ रहा तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करी तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो हमें थर्ड पे मिल रहा पे 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 मिल 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 रहा 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 से स्टार्ट करी तो यानी हमें हमें और एथ पे तो ज्यादा क्लोज कौन सा पड़ रहा लेफ्ट हैंड साइड वाला तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब इसके हमें नाम को लिखना है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स टीचमेंट है और ये इथाई और ये दोनों मिथाइल ये हमारे नॉर्मल सब्सटीचुएंट है अब हमें ये कैसे पता लगा कि ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्सटीचुएंट आपके वैसे सब्सटीचुएंट होते हैं जो कि पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच होते हैं कार्बन से और प्लस उनमें जो ब्रांचेस होती है उनके अंदर भी ब्रांचिंग हुई होती है जैसे ये हमारी पेरेंट चेन के अंदर की ब्रांच है और इसके अंदर फर्दर ब्रांचिंग हो रखी है मिथाइल ग्रुप की तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रीचमेंट अब इसके नाम को हम पहले लिखेंगे तो सबसे पहले इसके नाम को हम समझ लेते हैं कि क्या हो जाएगा ठीक है अब जो भी कार्बन हमारा पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच होता है उसे हम फर्स्ट नंबर देते हैं तो हमने इस वाले कार्बन को दिया फर्स्ट नंबर अब अगर हम इस साइड बढ़ जाएंगे तो भी वन और टू दो कार्बन की हमें चेन मिलेगी नीचे की तरफ हम बढ़े तो भी वन एंड टू दो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी और अगर हम इस साइड बढ़ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड तब भी वन एंड टू तब भी हमें दो कार्बन की ही चेन मिल रही तो हम कोई सी भी चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं हमने इसे सेलेक्ट कर लिया नेक्स्ट स्टेप में इसके नाम को लिखना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा फर्स्ट पे दो मिथाइल प्रेजेंट है तो हमने इसको मेंशन किया one, one. अब दो मिथाइल है तो हमने लिखा मिथाइल अब लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन टन हमारे टू है तो ये क्या हो गया हमारा इथाइल <laughs> अब इसके नाम को हमें लिखना है ठीक है तो हम कैसे लिखेंगे फोर्थ पोजीशन पे हमारा ये है तो हमने लिखा फोर देन कॉम्प्लेक्स ऑफिसन का नाम हमेशा ब्रैकेट के अंदर होता है तो हमने लिखा वन कमा वन डाई मिथाइल इथाइल ठीक है अब क्या है अब यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे हमारा इथाइल है देन फोर्थ एंड सेवेंथ पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच है तो किसके नाम को हमें पहले लिखना होगा तो हम क्या करते हैं अल्फाबेटिकली कंपेयर करते हैं मिथाइल हो गया एम से इथाइल हो गया ई e से इथाइल और मिथाइल में कौन सा पहले आएगा ई पहले आएगा तो हम इथाइल के नाम को पहले मेंशन करेंगे थर्ड पे है इथाइल तो हमने लिखा थ्री इथाइल देन हमारा फोर्थ पोजीशन पे और सेवेंथ पोजीशन पे दो मिथाइल मिल रहे हमें तो हम मेंशन करेंगे फोर कॉमासवेन अब दो हमारे मिथाइल हैं, तो हमने लिखा डाई मिथाइल अब कोई भी सब्सिजेंट और प्रेजेंट नहीं है तो लॉन्गेस्ट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने उसे चेक करेंगे तो टेन है और सिंगल बॉन्ड है, है तो ये क्या हो गया डेकेन ठीक है तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया फोर वन कमा वन डाई मिथाइल इथाइल थ्री इथाइल फोर सेवन डाई मिथाइल डेकेन आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और इसके अलावा भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिचन में अगर आपको और भी एग्जांपल्स जानने हैं तो वो भी आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा जरूर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय